अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इफ्रा सफदर। तो आज की इस वीडियो में हम मगज़ मसाला बना रहे हैं। मगज़ मसाला बनाने के लिए हमने मगज़ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक पतीले में हम एक जग पानी डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी हम इसमें और ऐड कर देंगे। अब हम मगज़ को पतीले में डाल देंगे और इसे बॉईल करने रख देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर ली है और मगज़ को बॉईल करने रख दिया है। 4 to 5 मिनट्स हम इस मगज़ को बॉईल करेंगे। अब जब तक मगज़ बॉईल हो रहा है, हम टोमेटो पेस्ट बना लेंगे। टोमेटो पेस्ट बनाने के लिए हमने ब्लेंडर में 1 से 1.5 बड़े टमाटर काट के डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। मगज़ बॉईल हो गया है। अब हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब फ्लेम हमने ऑन कर ली है और पैन भी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 5 to 6 tablespoons ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें 2 दरमियानी कटी हुई स्लाइसेस में प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मगज़ को ऐड कर देंगे। मगज़ ऐड कर देने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 tablespoon और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 tablespoon चिली पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 teaspoon नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 1/2 प्याली और 1/2 प्याली टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 teaspoon गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मगज़ मिक्स हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पे। मगज़ रेडी हो गया है। अब हम एक मोटी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 to 2 मिनट्स। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और जिंजर से गार्निश करेंगे। मज़ेदार सा मगज़ मसाला रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।